उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। पिछले जो लेक्चर्स में हमने व्यवहारवाद के बारे में बात की थी, तो व्यवहारवाद के बारे में जब हमने उसको व्यवहारवाद को देखा और व्यवहारवाद को उस तरीके से हमने उसको नोट किया व्यवहारवाद कि व्यवहारवाद एक तरीके से आपका वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, और आप देखेंगे कि इसको हम अगर कोऑर्डिनेट करें क्या उत्तर व्यवहारवाद का समय कौन सा है या उत्तर व्यवहारवाद को इंटरनेशनल रिलेशन से अगर हम कोऑर्डिनेट करें तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में 1969 में नेता का पीरियड शुरू। नेता का मतलब यह है कि शीत युद्ध में तनाव क्षेत्रीय उनके बीच में आ गया और उस तनाव क्षेत्रीय के कारण जो दोनों देशों के बीच में एक तरीके से ये सहमति बन गई कि अब दोनों देश आप करने का प्रयास करें, और आप देखेंगे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ये नेता का पीरियड है कि 1969 से लगाकर 1979 तक अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का जो आक्रमण है वहाँ चलता है। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में रवि ऋषि ने खुद ने कहा कि आप ये देखिए कि वही व्यक्ति है जिसने व्यवहारवाद का समापन किया या व्यवहारवाद को के बारे में बात की और कहा कि अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए या पूरी तरह से नियमितता सत्यापन ये सिस्टमाइजेशन ये सारी बात रवि ऋषि ने की। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसको ये चीज़ के लिए मजबूर होना पड़ा कि वापस अब ये अब देखा जाए तो व्यवहारवाद जो है वो निरर्थक हो गया है, क्यों उसको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि व्यवहारवाद की कोई उपयोगिता नहीं है या व्यवहारवाद व्यवहारवादियों ने अपना समय है या व्यवहारवादियों ने अपना जो जो व्यतीत किया या समय उन्होंने दिया वो पूरी तरह से एक तरीके से वो निरर्थक हो गया। निरर्थक किस चीज़ को हुआ हम इसको उस सेंस में भी देखें कि आपकी निरर्थकता की शोध जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बात कही आप कि व्यवहारवाद है वह ये मान के चलता है कि आपकी ज्ञान क्या प्राप्त करने की पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान का साथ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है यानी कि रवि ऋषि ने यह कहा कि जब आपकी ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तो आप क्या करते हो कि जब आपका रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपका समाज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं समाज की वास्तविक समस्याओं से कट जाते हो। और उसके बीच का डेवलपमेंट अगर हम देखें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच का अगर डेवलपमेंट देखें 1969 तो 1960s के जो शुरुआती साल हैं आप देखेंगे 1964-65 के आसपास अमेरिका वियतनाम वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका था, और उसके कारण से क्योंकि वो पॉलिसी यूएसए की वहाँ के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनको भी समझ में नहीं आ रही थी कि अमेरिका की सरकार चाहती क्या है। दूसरा कि वहाँ पर अमेरिका में एक गृह युद्ध का खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया था, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूएसए में जो व्यवहारवादी हैं वो लाइब्रेरी में बैठ कर या एक बंद कमरे में बैठ कर अपना समय इस बात के ऊपर खराब कर रहे थे कि अमेरिका मतलब शोध किस तरह से होनी चाहिए और वह शोध मतलब शोध की किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में ये होगा कि वो पूरी तरह से जड़ों से कट गए, जड़ों से इस सेंस में कट गए कि पूरी तरह से अमेरिका की सोसाइटी के अंदर जो दुनिया में जो तीव्र परिवर्तन आ रहे थे, दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे वो सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे। अच्छा अमेरिका में खुद में भी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि वहाँ पर भी जो जो रेसिज्म के अगेंस्ट मार्टिन लूथर किंग का जो एक पूरी तरह से मूवमेंट है वो वहाँ पर शुरू हो गया था। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास भी ये जवाब नहीं था कि ये इतना अनरेस्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, इतना आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके पीछे के कारणों को वो पॉलिटिकल रीजंस को और दूसरे रीजंस को समझ नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा कहना मतलब आपका जो रेसिज्म है वो बहुत ही एक ऐसे पॉइंट पे चला गया था, रंगभेद जो है अमेरिका में लगता था कि अब ये ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में जोरदार संघर्ष हो जाएगा, लेकिन उस संघर्ष की तरफ सोशल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ध्यान नहीं था, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि हमको हमारा काम ये है कि सिर्फ
सुप्रीम मानते हुए, तथ्यों को सर्वोच्च मानते हुए मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया था। पहली बात तो ये थी कि, लेकिन अब उसे ये हुआ कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का शोध था उसमें आपको वैज्ञानिकता का निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, पर प्रॉब्लम क्या हुई, वही कि आपका जो निष्कर्ष है वो इरेलेवेंट हो गया और उसमें जो वैध शास्त्रता है उसका पूरी तरह से अभाव बना रहा। और अब उत्तर बंगालवाद ने क्या किया, एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि पद्धतियों का प्रयोग करना बुरा नहीं है, राजनीतिक पद्धति का प्रयोग करना अपने आप में बुरी चीज नहीं है, बट आपका निष्कर्ष है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपका निष्कर्ष है वो पूरी तरह से आपका रेलिवेंट होना चाहिए। अगर अगर आप जो भी शोध कर रहे हैं अगर वह अगर समाज के लिए यूजफुल नहीं है तो फिर उस शोध का कोई भी मीनिंग है वो नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद ने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, या एक कहें कि वह पूरी तरह से मूल्यों और तथ्यों का समन्वय करते हुए एक नई जो चीज को जन्म दिया, और जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके बारे में डब्ल्यू स्टीन कहता है कि ये व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, ये सुधारवादी एक प्रक्रिया है और इसके दो नारे हैं एक्शन एंड पेडिडेंस, कि आप जो भी शोध कर रहे हैं जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो वाकई में वो सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है या नहीं है, और जो उसकी क्रीड ऑफ रेलिवेंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी क्रीड ऑफ रेलिवेंस, उसमें कर्म प्रासंगिकता सार्थक ज्ञान का ये सारी चीज़ों को डेविड स्टर्न ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और वाकई में वास्तविकता व्यवहार वाले क्या कहते हैं कि मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये काम है कि वो समाज की वास्तविक समस्याओं को देखने का प्रयास करे और उसको प्रयास देख उस समस्याओं को समझने और देखने के बाद में उनके निदान का प्रयास है वो होना चाहिए, और सामाजिक शोध वो समाज की आवश्यकता अनुरूप उसमें प्रासंगिक व संगतिपूर्ण होना चाहिए, और कहते हैं मूल्यों का जहाँ मूल्यों की जरूरत है आप मूल्यों का प्रयोग कीजिए, जहाँ तथ्यों की जरूरत है आप तथ्यों का प्रयोग कीजिए, लेकिन मतलब होना यह चाहिए कि आप मूल्यों और तथ्यों का समन्वय करके एक शोध को सही तार्किक परिणति तक पहुंचा सकते हैं। जबकि व्यवहारवादी क्या कह रहे थे, व्यवहारवादी ये कह रहे थे कि हमारे को निष्कर्ष का मतलब नहीं है, हमारे लिए तो पद्धति इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं, पद्धति और निष्कर्ष दोनों ही अपने आप में उनकी अलग अलग जगह पर उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन अल्टीमेटली उसका होना यह चाहिए कि वो शोध है वो समाज के लिए पूरी तरह से उपयोगी होनी चाहिए। और उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है डेविड स्टर्न ने ये 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा या पोस्ट लिबरलिस्ट बनना पड़ेगा। उसके इस क्रांति के होने के, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति आने के कुछ कारण हैं, कारण कौन कौन से हैं कि पहला कारण यह है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और व्यवहारवाद ने जरूर राजनीतिक वैज्ञानिक बनाया, इसमें उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता, कि उन्होंने अपने जो अपना जो जो व्यूज़ है या अपना जो जो चीज़ें दी पॉलिटिकल साइंस को उससे निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस वैज्ञानिक बना, लेकिन वैज्ञानिक बनने से साथ क्या हुआ, उसमें एक प्रॉब्लम भी आ गई, वैज्ञानिक बनने के साथ साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि उसने अपनी जो एक सार है उसको कहीं ना कहीं उसने खो दिया, और इस कारण से ये बाद में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानने लगे कि नहीं वाकई में आपका जो व्यवहारवाद है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। दूसरा है कि ये माना गया है कि सामाजिक विज्ञान जो है उसमें प्राकृतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञानों में भी नियमितता ढूंढ सकते हैं और एक सामान्य सिद्धांत दे सकते हैं, क्योंकि आपका अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम जुअलॉजी से तुलना करें, पॉलिटिकल साइंस की बॉटनी से तुलना करें, फिजिक्स से तुलना करें, तो आप
व्यवहार है वो परिवर्तनशील है, तो उसको हम किसी भी मापन पद्धति से उसको मापा नहीं जा सकता। और इसके अलावा ये माना जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद एक तरीके से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है, और व्यवहारवादी शोध में जो फैक्ट वैल्यू डाइकोटॉमी है या तथ्य मूल्य जो विच्छिन्नता है उसके ऊपर बल दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि यथार्थ अध्ययन के साथ साथ अगर कोई मूल्य किसी व्यक्ति के संदर्भ में अगर है या किसी व्यक्ति को मूल्यों को मानता है मानते हुए अगर अध्ययन करता है तो हम उस अध्ययन को गलत नहीं साबित कर सकते, और हो सकता है कि वो अध्ययन है वह आने वाले समय में ज़्यादा यूजफुल हो या ज़्यादा फ्रूटफुल हो। व्यवहारवादी क्रांति आने के साथ ही कई सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी हो गई, और कोई नहीं सबसे पहले तो अमेरिका जहाँ से व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ था, अमेरिका को खुद को बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ा और अमेरिका में आणविक युद्ध का भय, रेसिज्म, इसके अलावा आपकी तानाशाही शासन की बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ, वियतनाम का वॉर और भी कई सारी चीज़ें जो थी वो अमेरिका के जनमानस को उद्वेलित कर रही थी या अमेरिका युद्ध के हालातों से गुजर रहा था, लेकिन व्यवहारवादी उसकी जो डिफाइन करने में पूरी तरह से नाकाम रहे या पूरी तरह से वो डिफाइन नहीं कर रहे। तो डिफाइन नहीं कर रहे कि मुझे कारण यही था कि नहीं आपका जो आपकी जो जीत पद्धतियों का प्रयोग कर रहे थे उससे वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब एक क्वेश्चन ये आता है और एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की ओर पुनरागमन है। तो हमारा ये आंसर होना चाहिए, हमारा ये एक उत्तर ये होगा कि उत्तरवाद व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक हैं, लेकिन परंपरावाद है वह वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व को और उसकी इंपॉर्टेंस को उसकी रेलिवेंस को पूरी तरह से नकारता है, और जबकि उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि आपका जो परंपरावाद है या मूल्यों और तथ्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है और वह एक क्रांति है ना कि एक कोई प्रतिक्रिया उसे माने, वो ये नहीं कहता कि आपके जो व्यवहारवाद है वो पूरी तरह से गलत है। उसने ये माना कि व्यवहारवादी जो पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं या जो साइंटिफिक मेथड का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया क्या वो यूजफुल है या नहीं है। उत्तर व्यवहार आता है या फिर ये उत्तर व्यवहार आ जाता है क्या, हाँ नहीं आपकी पद्धतियाँ उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे जो मूल्य है व्यक्ति के या ये शोधकर्ता के मूल्य है वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है। और उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन को हमें परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझना चाहिए, उत्तर व्यवहार राजनीति विज्ञान को यथास्थिति से आगे ले जाना चाहिए, जो स्टेटस को इस अप्रोच है उससे उसको को आगे ले जाना चाहता है, और उसको इस बात का कोई संकोच नहीं है उत्तर व्यवहारवादियों को कि आप किसी भी पद्धति का प्रयोग करें, उनको पद्धति से भी कोई मतलब खास उनको तकलीफ नहीं है, उनका जो सबमिशन है वो ये है कि आप जो भी पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी जो मैंने पहले दो जो चीजें बताई कि आपका एक्शन और उसकी वो रिलेवेंट होनी चाहिए, कर्म और प्रासंगिकता का नारा उसके अंदर आ जाना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की के बारे में हमने बात की, उत्तर व्यवहारवाद की क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या थे या उसके पीछे क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद आया। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के आधार पर लक्षण एवं उसके मूल मान्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो डेविड ईस्टन ने दो प्रमुख लक्षण बताए, शोध की सार्थकता, प्रासंगिकता और कर्तव्य निष्ठा या कर्म। और इन्होंने ये कहा कि जो सात विशेषताएं बताई जिसको उन्होंने पीरियड ऑफ रिलीवेंस कहा है, प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है, उसमें सात विशेषताएं डेविड ईस्टन ने बताई हैं और वो सात विशेषताएं अगर हम देखें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि प्राविधि से पूर्ण साविधि से पूर्ण सा का मतलब यह है कि प्रविधि से पूर्ण सा का मतलब उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि व्यवहारवादी पत्नी को तथ्यों व्यवहार उत्तर व्यवहार
भी इसमें सार आ जाना चाहिए और तथ्य और व्यक्ति दोनों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ये कहीं ना कहीं रेलिवेंट भी है। और उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मतलब जो व्यवहारवादियों की प्रॉब्लम ये है कि वो तथ्यों को इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तथ्यों को इतना इम्पोर्टेंट मान लेते हैं कि उनके लिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो कौन हो जाती हैं और दूसरी चीज़ें मतलब मूल्य है वो कौन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मूल्यों को स्थान दिया जाना बहुत जरूरी है। उत्तर व्यवहारवादी ये बताते हैं कि परिष्कृत जो पद्धतियाँ हैं, वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग उसका प्रयोग करने के साथ साथ जिन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या समसामयिक सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने में या समसामयिक समस्याओं को निपटाने में या समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में क्या वो सफल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक तक आपका ज्ञान है अपना कोई आप अर्जित कर रहे हैं और समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो उधर व्यवहार कहते हैं उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। और उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अगर आपके शोध या तकनीक अगर आपके जो प्रासंगिकता में बाधक है तो हमें शोध या तकनीक को या पैराडाइम को छोड़ देना चाहिए। और व्यवहारवादियों का ये नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था गलत होता होना उतना बुरा नहीं था। और उत्तर व्यवहारवादियों ने यह इसके विपरीत एक नारा दिया, उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो ये एक तरीके से ये कहते हैं कि आपकी जो टेक्निक है उसके ऊपर उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट माना है, जिसको आपकी जो प्रसार है उसको। इसके अलावा हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक परिवर्तन पर बल देने के पीछे कारण ये था कि व्यवहारवाद जो है वो ये कहता है कि तथ्य जो है वो आप जब लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसकी सामाजिक सामाजिक प्रासंगिकता को भी समझना आवश्यक है। सामाजिक पैराडाइम हो सकता है कि वो या जो टेक्निक है जिसका हमने प्रयोग किया है हो सकता है कि वो अपने आप में सही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह जो समाज की समस्याएं हैं उसकी जड़ तक जाते हों या सामाजिक परिवर्तन है उसको उसको इंस्टिगेट करते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी नहीं है कि नहीं, हमें एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमें सामाजिक परिवर्तन पर अपना पूरा ध्यान रखना केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान जो है वो उसमें परिवर्तन हमें क्योंकि मैंने अपनी बात की कि आपको यथास्थिति नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को यथास्थिति नहीं होकर और सामाजिक परिवर्तन पर बल देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। अब ये प्रॉब्लम अमेरिका में है ना कि आपका जो सोसाइटी की जो बहुत सारे और बहुत सारी समस्याओं से सोसाइटी आपकी जूझने के कारण जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है व्यवहारवादी है वो समस्याओं का विश्वसनीय निदान दे नहीं पाए। उनके पास होना चाहिए और जैसे उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि गरीबी भूखमरी और जो ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव है ये ऐसे क्राइसिस है अगर दूर नहीं किया गया तो होना हो सकता है कि आने वाले समय में ये और इससे संघर्ष विश्व में बढ़ सकता है। उन्होंने कहा आपकी जो भी समस्या है विश्व की उसका विश्वसनीय निदान पॉलिटिकल साइंटिस्ट को प्रस्तुत करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम ये देखें कि मूल्य क्योंकि मैंने आपको कहा कि मूल्य मान्यता है किसी भी पसंद में, बट मूल्यों की मान्यता के साथ साथ ये भी चीज़ जरूरी है कि अगर हम ये सोचें दूसरे तरीके से हम सोचें तो और उत्तर व्यवहारवादियों का ये तर्क है कि क्या जब समाज में अगर मूल्य नहीं रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व ही शायद संकट में पड़ जाएगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने यह कहा जो तथ्य तथ्य की जो आप रट लगा रखी है तथ्य तथ्य की बात कर रहे हैं वो
उस तथ्यों को छोड़ दीजिए। अब आप तथ्यों के साथ साथ आप मूल्यों की भी बात आपको जरूरी है, और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण ने क्या किया, मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो ये दबालवादियों का जो मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण था उसके साथ में एक बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये आई कि उन्होंने पूरी तरह से राजनीति विज्ञान को नीरस और निष्प्रयोजनीय बना दिया, या प्रयोजन से रहित कर दिया। ऐसा समाज विज्ञान जिसका समाज के लिए उपयोग नहीं है। उत्तर दबालवादियों ने यह कहा कि क्यों हम पॉलिटिकल साइंस में मूल्यों को हम महत्वपूर्ण मानते हुए समाज के विश्वसनीय निदान या समाज की समस्याओं का निदान प्रस्तुत करें हैं। और उन्होंने ये कहा मतलब उत्तर दबालवादियों ने कि मूल्यों की आप जब तक निर्णायक भूमिका को स्वीकार नहीं करते पॉलिटिकल साइंटिस्ट या समाज की समस्याओं के निदान में, जब तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मूल्यों की भूमिका को स्वीकार नहीं करता है, तब तक हम उस पॉलिटिकल साइंस को समाज के लिए उपयोगी नहीं मान सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका है। अगर उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट बुद्धिजीवी भी हैं और बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक विशेष भूमिका है, और अगर भूमिका को अगर वो सही ढंग से अगर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं या उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तो शायद वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को मूल्यों का जो संरक्षण है और उसका जो लोगों का प्रचार है उसको बहुत ही ज़्यादा सचेत होना चाहिए, वो काम उसको करना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर अपने आप को समाज से अलग कर लेंगे या समाज की समस्याओं से अपने आप को अलग कर लेंगे, तो शायद वो ऐसे तकनीकी भी बनकर रह जाएंगे जो समाज जिनकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं है और समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और नेक्स्ट है अच्छा पॉइंट वो है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी क्या करते हैं, कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल देते हैं, और उनका ये कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में लगना चाहिए, और समाज में पुनर्निर्माण में लगने के साथ ही साथ उसका ज्ञान की व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो समाज के लिए नॉलेज है वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। डेफिनेशन के अगर शब्दों में अगर हम कहें तो जानने का अर्थ है कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। और उत्तर व्यवहारवादियों की ये मांग है कि पूरे चिंतन के और उन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो, और पॉलिटिकल साइंस को मनन विज्ञान के आधार पर या मनन विज्ञान के स्थान पर आपको कार्य विज्ञान बनना चाहिए। लास्ट पॉइंट है या सातवां पॉइंट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण का मतलब यह है कि मतलब पॉलिटिकल साइंस को ये मान रहा है कि चूंकि हम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले समाज राजनीति को खुद से तटस्थ मानते हैं, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए और होना ही चाहिए कि आप राजनीति विज्ञान में स्वयं राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, और एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के साथ साथ समाज की समस्याओं को समझें और समाज की समस्याओं का समाधान करें, और एक्टिव पॉलिटिक्स में आप पार्ट लेकर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेंगे, अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में पाएंगे, अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में कि जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे समाज की समस्याओं का विश्वसनीय निदान वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद ने अगर इसका अगर निष्कर्ष निकाले या निष्कर्ष करें तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और उसके साथ ही बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की, उसने पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ये अपेक्षा की कि आप अपने एक्शन से समाज को कुछ दें, और वो जो चीज़ें आप अध्ययन कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो हम देखें कि 1970 के बाद में अमेरिका में अगर हम देखें जॉन रॉल्स का चिंतन हम देखते हैं बहुत सारा, उन्होंने जॉन रॉल्स का चिंतन है वो इसी चीज़ का परिणाम है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूरी तरह से समाज की समस्याओं से विमुख नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारी जो रिसर्च वर्क किया गया अमेरिका में 1970 के बाद में वो इस बात की तरफ था कि पॉलिटिकल साइंस को समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट
आपकी ये पॉइंट है कि आज की जो पॉलिटिकल साइंस है क्वेश्चन आपकी तरफ से ये भी होना चाहिए और मैं आपको इस बात के लिए आपका ध्यान रखने की आज की पॉलिटिकल साइंस है तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज का ये उत्तर व्यवहार आपका समाप्त।